परेशानियां खुद जानते हैं, उनका मूल्यांकन खुद कर सकते हैं, इसलिए हमें पता है हम ज्यादा परेशान है। लेकिन ऐसा नहीं, आपसे भी ज्यादा परेशान लोग हैं इस दुनिया में, मैंने देखा है लोग, मेरे पास आके लोग रोए हैं जब सिलेक्शन हुआ है, मानो ऐसी कंडीशन बयां करते हैं सर वास्तविकता में हमारी जिंदगी पलट गई, काया पलट हो गया, अदरवाइज हम कुछ नहीं कर पाते। मैं स्वयं की बात अगर करूं तो आप विश्वास नहीं करेंगे, मैं आज की कंडीशन, मेरे ग्रामीण क्षेत्र से बहुत सारे बच्चे पढ़ने के लिए आ रहे हैं मेरे पास, मेरे होम टाउन गंजवासदा विदिशा ग्यारसपुर से बहुत सारे बच्चे आ रहे हैं, आसपास की पेरीफेरी से बहुत सारे बच्चे पढ़ने के लिए, कोई नहीं जानते होंगे मुझे, और कभी किसी ने मेरा नाम भी अगर सुना होगा उस समय तुमको पता था कि मैं कुछ नहीं करता था, मेरे को स्टेटस नहीं था। लेकिन जब एक बार सोचा कि नहीं यार कुछ ना कुछ तो करना है, कुछ ना कुछ तो करना है लाइफ में, संघर्ष तो रहा। ऐसा नहीं कि आपके अंदर ही बस भावनाएं सारी की सारी, भावनाओं से जंग नहीं जीती जाती, मैंने पहले ही बोला मुझे बड़े तकलीफों का सामना करना पड़ा, हो सकता है दिन भर खाना भी ना मिले, कभी ऐसा भी समय है कि 8-8, 15-15 जेब में 1 रुपए नहीं है। मैं कई बार जब रहता था वहां पर होशंगाबाद रोड, तो कई बार एमपी नगर पैदल तक आया पैसे नहीं जेब, कई बार। लेकिन ऐसा नहीं कि मैं रो ही जा रहे हैं, हमारे पास व्यवस्था नहीं, ऊपर वाले को कहां से जन्म दे दिया, हमारे पास कोई व्यवस्था नहीं, रोने से काम नहीं चलेगा। समस्या है तो सबके पास है, लेकिन समाधान भी है, वो सब चीजें जुटाने के लिए आपको परिश्रम करना पड़ेगा। दुनिया की हर एक चीज आपके पास हो सकती है, दुनिया की हर एक चीज आप कमा सकते हैं, लेकिन उसके रूप की मेहनत चाहिए, और आपके पास एक ही हथियार है, मेहनत। मेहनत से शिद्दत से आप काम करेंगे तो हर एक चीज को आप जीत सकते हैं, लेकिन प्लानिंग होनी चाहिए करने की, इच्छाएं होनी चाहिए अंदर से करने की। बहुत सारे बच्चे हर दिन संकल्प लेते हैं, हर दिन संकल्प करते हैं कि भाई हम कल से इतना पढ़ेंगे, तो उनका कभी कल होता ही कितनी भी अच्छी जगह पढ़ाई कर लो, आप बता रहा हूँ, चाहे मेरे यहाँ पढ़ लो, चाहे कहीं पढ़ लो, चाहे कोई नहीं चले जाओ, अगर आपकी खुद की इच्छा नहीं है कुछ करने की, तो कोई कुछ नहीं करवा सकता, कोई भी कुछ नहीं करवा सकता। आपको अपने आप बदलना पड़ेगा, उन विचारों पर फतेह हासिल करनी पड़ेगी, उन विचारों पर विजय आपको हासिल करनी पड़ेगी जो बार बार आपको डिस्ट्रैक्ट करते हैं, बार बार आपका मन बदल देते हैं, परिस्थितियां बदल देते हैं, और आप कुछ का कुछ करने लग जाते हैं। मेरे साथ में जब मैं 11वीं में हुआ करता था, तो मेरे एक सीनियर में और दो जूनियर में 3 बच्चों का सिलेक्शन पीएमपी हुआ 11वीं से, उस समय 2005 की बात करो, 3 बच्चों का, उनके जो फादर थे ना, उनके पास 3 प्लॉट थे 11वीं, उन तीनों ठिकाने लगा के तीनों बच्चों को कोटा दे दिया, और तीनों कोचिंग करवाई, तीनों सिलेक्शन पीएमपी हो गए। एक बच्चे का जबलपुर में हुआ और 2 बच्चों का मेडिकल कॉलेज, गांधी मेडिकल कॉलेज भोपाल में हुआ, हमारे 11वीं पहली बार सिलेक्शन पीएमपी। और जब सिलेक्शन उनका हुआ तो मैं भी अच्छा था पढ़ाई करके, मेरी पारिवारिक कंडीशन भी अच्छी नहीं थी, घर वाले सपोर्ट करना, मेरी बहुत इच्छा थी एमबीबीएस करने की, लेकिन संभवता नहीं हो पाया। तो अभी मेरे एक मित्र हैं सुदीप साहू, जिनका सिलेक्शन हुआ था, तो अभी पोस्टिंग है त्योहार में एमबीबीएस से मेडिकल ऑफिसर हो गए। तो मैं उस समय एमआर हुआ करता था, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, तो वो भोपाल आते थे, मैं कई बार उनको, मेरे मित्र थे तो स्टेशन लेने ले जाने छोड़ने जाया करता, हम लोग की मित्रता अच्छी थी, कभी घूमना फिरना हुआ करता साथ में। तो जब मैं एमआर था तो मेरी सैलरी ठीक थी, 30-35 हज़ार महीने में कमाया करता था, लेकिन एक समय ऐसा मैंने जॉब छोड़ दिया, किसी कुछ नहीं पता, मैं जाकर होशंगाबाद रोड पे शिफ्ट हो गया। एक बार वो मिलने आए, एक और मित्र थे, उनकी शादी का कार्ड नहीं, कोई राजनीति की शादी है, बोले तुम जरूर बना, मैंने कहा था मैं पढ़ाई नहीं भेजू, मैं हो सकता सफलता नहीं हो। उन्होंने देखा जब वो कमरे में आए तो नीचे मैट बिछी हुई है और चारों तरफ किताबें, ना ही कंगी है, ना ही ऑयल है, ना ही प्रॉपर कपड़े है, बस दाढ़ी ऐसे बढ़ी जा रही है, बिल्कुल पावर है कि क्या हो गया राम भाई, आपने तो कैसी हालत बना कर रखी। तो कंडीशन ये थी कि जब तुम आओगे तो खोया हुआ पाओगे, मुझे कुछ याद आगे सुना देता हूं, जब तुम आओगे तो खोया हुआ पाओगे मुझे, और मेरे जहन में ख्यालों के सिवा कुछ भी नहीं, मेरे जहन मतलब दिमाग में ख्यालों के सिवा कुछ भी नहीं, जब तुम आओगे तो खोया हुआ पाओगे मुझे, और मेरे जहन में ख्यालों के सिवा कुछ भी नहीं, और तेरी तमन्ना है मेरे कमरे को सजाने की, और मेरे कमरे में किताबों के सिवा कुछ भी नहीं। चारों तरफ किताबें किताबें, पोस्टर लगे यहां, ये लगा यहां, और उन्होंने देखा सारी चीज समझी, बोले ठीक है आप पढ़ाई के, मुझे पता है आप पेपर जरूर निकालोगे, क्योंकि मैंने देखा है आपका दृढ़ संकल्प, जब हम स्कूल में रहा करते थे ना, तो कोई अगर चैलेंज करता था कि यार अगर भले कुछ नहीं करता, भले बोल दिया अगर ये काम करना है मतलब करना है, कुछ भी हो जाए सोच लिया, तो इच्छा शक्ति बहुत मजबूत होनी चाहिए अगर आप आगे जाना चाहते हो। तो आप कितनी भी अच्छी जगह क्लासेस पढ़ लो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप यहाँ पर नहीं भी पढ़ोगे ना मेरे यहाँ पे, आप फीस फंड करा के चले जाओ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन कहने का मतलब ये है कि अगर आप करना चाहते हैं तो आपको करने से कोई भी नहीं रोक सकता, और नहीं करना चाहते तो आप लाखों रुपए खर्च कर लीजिए,
जो नहीं कर सकता या जिसके अंदर गुण नहीं है, जो उस पर कहने का मतलब खरा नहीं उतर सकता, वो हर हाल में नहीं करेगा। अदरवाइज अभी तक तो जो है रात में पढ़ रहा हूँ, बाहर गलियारे में लाइट लगी, बाहर तख्त रखा है उसको पढ़ रहा हूँ। 3 बज रहे रात के, 2 बज रहे हम लोग जब उठते थे, कोई उठा बाहर जाने के लिए कुछ कर रहे पढ़ रहे हैं, देखो गांव में आते दिखाते हैं पढ़ना, 3 बजे पढ़ रहे थे, मेहनत कर रहे हैं ऐसे। लोग कई प्रकार की बातें, और सुबह नहीं सोए अगर जाते रहे, सुबह 7 बजे मेरे पिताजी का आगमन होता था, 11 बजे से गाड़ी लेकर वो देखते अरे बाबू जी बैठे हैं, मैं आगे ऐसे हो सकता है। तो कई लोगों से बोलते बाबू सब कुछ पढ़ाई वढ़ाई चल रही है, पढ़ लेंगे, इस उम्र में कुछ सोच रहे हैं पेपर निकालेंगे, बस बहुत ज्यादा ऐसी बातें जो मुझे यहाँ पर बहुत लगती थी, लेकिन ये वो उनकी बुराई नहीं थी, उन्होंने जो किया ना, जो बातें करी, जो यहाँ पर लगी, उसके कारण से अंदर से दृढ़ संकल्प आए, दुनिया को मैं करके दिखाऊं और ना दिखाऊं, मैं इनको करके जरूर दिखाऊंगा। और आज बोलते हैं मेरे बेटे का सिलेक्शन इनकम टैक्स में हुआ, मेरे बेटे का सिलेक्शन यहाँ पर हुआ, मेरा बेटा कोटा में कोचिंग पढ़ा रहा है, मेरे बेटे के अपने पास बच्चे बैठ गए। तो बहुत दिनों में परिवर्तन आ पाया, बहुत ही दिनों में परिवर्तन आ पाया, लेकिन हिम्मत नहीं हारी। आपके साथ समस्याएं तो आएंगी ही आएंगी, बहुत आएंगी, आपको नहीं बनेगा, दिक्कतें होंगी, लेकिन रुकना नहीं है किसी भी कंडीशन। एक बार जो हमने बीड़ा उठाया कि भाई इसको करना है, मतलब करना है, और ये तो परिस्थितियां हैं, आपको चेक करा जाएगा परमात्मा के द्वारा, आप उस लाइक है कि नहीं, जो चीज हम आपको देने वाले हैं। घर वाले आपको कोई काम करने की जिम्मेदारी कब देते हैं? आप में से बहुत सारे बच्चों को जब आप छोटे रहते होंगे, जब आप स्कूल में पढ़ते होंगे, आप जब कस्बे अपने गांव से होंगे, तो आप घर वाले 100 रुपए 150 रुपए देते हैं, बेटा जा आज मार्केट सब्जी ले आना। उसमें से भी कई बच्चे जो है 150 रुपए में से 130 की सब्जी ला 20 उड़ाते हुए पापा वो इतने की सब्जी आ गई, ऐसा करते होंगे। जब 150 रुपए का बच्चा जिम्मेदार नहीं है, ये चीजें कर रहा है, ये चुगली करने लग गया, तो कल को अगर हम उसको परिवार की जिम्मेदारी देंगे तो कुछ कर लेगा, नहीं कर पाएगा। तो घर वाले भी आपको जिम्मेदारी देने के पहले 10 बार ताकते हैं कि अगर हम बच्चे को मोटरसाइकिल दिलाते हैं उसका सदुपयोग होगा कि नहीं होगा, बच्चे को मोबाइल दिलाते हैं उसका सदुपयोग होगा कि नहीं होगा। जब आपके घर वाले 10,000 से 50,000 चीज आपको दिलाने में जब 50 बार सोचते हैं, तो वो परमात्मा है जो आपको नौकरी दिलवाएगा, और वो आपका पिता नहीं है, परम पिता है। जब पिता इतना सोच रहे हैं तो परम पिता कितना सोचेंगे? सारे थर्मामीटर लगा के आपको चेक कर लेंगे आप वास्तव में नौकरी के लायक है कि नहीं, और जब उनको लगेगा कि हाँ आप लायक हैं तब आपको नौकरी दी जाएगी, अदरवाइज। ऐसे कई लोग घूम रहे चपले चट्टा फिर बोलो हाँ, जो प्रयासरत रहेगा, जो लगातार श्रम करेगा, जो लगातार मेहनत करेगा, अगर जो डिजर्व करेगा उसको नौकरी देगा ऊपर वाला। आप में से यहाँ पर बहुत सारे बच्चे हैं, आज क्लास के अंदर लगभग इस वाले बैच में ऑलमोस्ट 200 के आसपास एडमिशन हो चुके हैं, अभी बाकी है जो भी होने वाले। तो कंसर्न है कि आप में से हर एक बच्चा पेपर निकालने के उद्देश्य है कि शायद हम राम सर यहाँ पर कोचिंग पढ़ेंगे और हमारा पेपर निकल जाए, तो अभी शायद लगाए जमा, शायद हम यहाँ मैथ्स पढ़ेंगे तो मैथ्स बन जाए। मैं पेपर निकालने की गारंटी बिल्कुल नहीं लेता हूँ, आप अगर मेरे साथ मेहनत करोगे तो मेरी जिम्मेदारी है कि आपको मैथ्स पढ़ने लग जाए, लेकिन पेपर निकालना आपका काम है, पेपर केवल मैथ्स से। हाँ, जिनका मैथ्स अकेला वीक है बाकी सारे सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग है, पेपर मैथ्स के कारण निकल जाएगा, लेकिन बाकी इसके अलावा भी अन्य सब्जेक्ट है पर आपको काम करना पड़ेगा। घोड़ा 4 पैर से दौड़ता है और रेस भी 4 पैर से ही जीतता है, इसी प्रकार से पेपर भी जितने सब्जेक्ट हैं उतने ही महत्वपूर्ण होते हैं, एक सब्जेक्ट से मात्र पेपर नहीं निकल सकता। मैं कहना चाह रहा हूं आपसे, आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, संघर्ष बहुत करना पड़ेगा। आज मेरे जितने जो महिंद्रा मेरे साथ पड़े वो कभी नहीं जानते होंगे, मैं कहीं खोया हुआ है।